सीवर है बंद है और नालियाँ भी बंद हैं। जब भी जमादार आते हैं फिर पैसे भी लेते हैं, फिर भी ये कहना नहीं मानते। नागरिकों की सुविधा के लिए शहर में डाली गई सिविल लाइन विभागीय अनदेखी के कारण लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वार्डों की गलियों में सीवर का गंदा पानी भरा रहता है, जिससे लोग इसी गंदे पानी में होकर गुजरने के लिए विवश है। शहर के किला बाजार में सिविल लाइन चौक होने के कारण मेन होल ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके कारण पिछले कई दिनों से वार्ड के लोग परेशान हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी संबंधित विभाग के अधिकारी समस्याओं के निदान की जहमत नहीं उठा रहे हैं। ये है कि मोहल्ले में ये सीवर है बंद है और नालियाँ भी बंद हैं। इनको कई दफ़ा कहा है अपना, इनको जमींदारों को, जब भी जमींदार आते हैं फिर पैसे भी लेते हैं, जबकि इनको कमेटी से पैसे मिलते हैं, फिर भी ये कहना नहीं मानते। 15 दिन पहले ये सीवर साफ कर गए थे, वो सीवर की उस ब्लॉक थी, ये कर गए थे, कहते ये साफ हो गया है, फिर लेकिन साफ नहीं हुआ, लीकेज तो चल ही रही है इसकी, परमानेंट लीकेज है। और यही पाँव अंदर जाते हैं, सारा गंद मचा, स्मेल इतनी ज़्यादा है कि बैठा नहीं जाता। अधिकारियों से आपने बात करी किसी से? करी हमने, वो रोजू साइकिल के पीए भी आया था देखने, वो कह रहा था अभी आ रही है मशीन। अब फोन सुबह के 500 फोन कर बैठे हैं सारे मोहल्ले वालों ने, एक एक करके सबसे फोन करवाया है, सब ने किया 10 मिनट में आ रही है मैडम जी, 10 मिनट में आ रही है। सैटरडे को भी यही बात करी है और आज भी सुबह से यही बात कर रहे हैं, नहीं आए। ये सामने सीवा पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती है, ना यहाँ बैठ सकते हैं ना कुछ भी, धूप सेकने आते हैं वो भी नहीं बैठ सकते हम यहाँ पर, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी कम्प्लीट साफ करवाएं, यही हमारी रिक्वेस्ट है। बच्चे छोटे हैं यहाँ भाई, थोड़ा सा सफाई करवाएं, यहाँ खेलने के लिए भी आते हैं, धूप भी सेकते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा जल्दी साफ करवाएं। शहर के कई अन्य वार्डों में भी सीवर का पानी गली में ओवरफ्लो होकर दूसरे मेन होल में जा रहा है और गली में गंदा पानी जमा हो रहा है। सीवर संबंधित शिकायत कई बार पीडब्ल्यू विभाग से की गई है, साथ ही क्षेत्रीय पार्षद को भी इस बारे में बताया गया, लेकिन जनता को अब तक केवल आश्वासन का सहारा ही दिया जा रहा है। उनकी शिकायत पर 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है।